ग्रैंड आरपी में बहुत सारे रूल्स हैं एंड इन रूल्स को बहुत सारे लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, इसकी वजह से वो लाइक बैन खाते हैं या फिर जेल में जाते हैं एंड बाद में बोलते हैं कि भाई रीज़न मुझे क्या है वो बताओ। एंड इसके वजह से जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी पैदा होती है। इस वीडियो में जो है वो मैं तीन ऐसे रूल्स बताऊंगा जो कि आपने कभी नहीं सुने होंगे या फिर तीनों के तीनों आपको मालूम होंगे या फिर इनमें से कुछ आपको मालूम होंगे, ठीक है, जो आपको मदद करेंगे थोड़ा सा जो है वो ग्रैंड आरपी को जानने में। इस वीडियो से मैं जो है वो लाइक एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ रूल्स एक्सप्लेन्ड की, सारे रूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड आपने जो है वो ग्रैंड आरपी के नए जो लाइक टीज़र देखा ही होगा, नया अपडेट आ रहा है, ग्रैंड आरपी का बर्थडे आ रहा है 1 मार्च को एंड वो तब जो है वो लाइक आपको एक नया अपडेट मिलने वाला है। आई होप कि आपने सबने जो है वो ये टीज़र देखा ही होगा, इससे कुछ डिफाइन ज़्यादा किया नहीं जा सकता, लाइक एक दो गाड़ियाँ जो है वो नहीं दिखी है मुझे एंड इससे हम कुछ बता नहीं सकते जब तक एक जो है वो नया एक प्रॉपर ट्रेलर नहीं आता तब तक। एनीवेज अगर आपने ग्रैंड आरपी ज्वाइन नहीं किया तो यार आपको मालूम है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ग्रैंड आरपी के लिए कंप्लीटली फ्री सर्वर है, बस आपके पास एक लेजिट GTA 5 की कॉपी होनी चाहिए जो कि आप एपिक गेम्स स्टीम या फिर रॉकस्टार लॉन्चर से बाय कर सकते हो। अब ये आप लाइक स्टीम कोड भी मिलता है बहुत सारे वेबसाइट्स पे, तो वहां से भी आप जो है वो इसको लेके क्लेम कर सकते हो। आते हैं वीडियो पे, तो हम बात कर रहे थे रूल्स के बारे में, तो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ रूल्स एक्सप्लेन के नाम से ग्रैंड आरपी की, तो उसमें जो है वो हम जनरल रूल्स हो गया, फिर स्टेट रूल्स हो गया, क्रिमिनल रूल्स, ये जो मैं मतलब जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उन सब के बारे में मैं आपको जो है वो बताऊंगा एंड मैं लाइक ट्राई करूंगा जितना हो सके मेरे से उतना अच्छे से एक्सप्लेन करने का। लेकिन कोई जो वेटरन प्लेयर्स होंगे, जो पुराने प्लेयर्स होंगे, उनको जो है वो मालूम होंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन दिक्कत तब होती है जब मीडियम लेवल के प्लेयर जो लाइक 4-5 महीने हो गए ज्वाइन करके या फिर नए नए आए, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन रूल्स को समझने में। सबसे पहला रूल ये है कि भाई अगर आपको लाइक एक लिमिट होती है, जनरल रूल 1.7 की लिमिट ये है कि भाई आप दिन में ना सिर्फ 5 मिलियन से ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को इन हैंड कैश या फिर फ्री ट्रेड, यानी कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो जनरल रूल 1.7 कहता है, राइट। अब इसमें होता क्या है, आप एक बंदे से जो है वो लाइक 5 मिलियन से ज़्यादा की चीज़ नहीं ले सकते पूरे दिन में भाई, फिर इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप जो है वो दूसरे बंदे से जाके 5 मिलियन, सिर्फ एक ही बंदे से आप जो है वो लाइक दिन में 5 मिलियन की जो है वो चीज़ें, ओवरऑल सिर्फ आपकी लिमिट है कि फ्री ट्रेड जो है वो इन हैंड कैश वैश जो है वो सिर्फ आप 5 मिलियन का ही ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एक बंदे से 5 मिलियन लेते हो, दूसरे बंदे से जाके 5 मिलियन लेते हो, तो आप जो है वो लाइक बैन खाओगे 60 दिन के लिए, 1.7 जनरल रूल लग जाएगा। अब एक चीज़ आप कर सकते हो वो है फैमिली के थ्रू आप पैसे डाल सकते हो, ठीक है। अब फैमिली के थ्रू कैसे पैसे डालने हैं, यहाँ पे जो है वो लाइक जिस बंदे से आपको पैसे लेने हैं, लेट्स सपोज 20 मिलियन लेने हैं, तो आपको बस उसको फैमिली में लेना है, यहाँ पे उसको बैंक भेजना है, ग्रैंड आरपी वाला बैंक, ना कि रियल लाइफ वाला बैंक, तो यहाँ पे आके वो रिप्लेनिश द फैमिली बैलेंस करेगा। यहाँ पे आपको ATM से अगर आप करते हो, या ATM से भी कर सकते हो इनफैक्ट, तो 5% का टैक्स लगेगा एंड अगर आप बैंक से करते हो तो 3% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप 20 मिलियन डाल रहे हो तो यार मे बी 3-3.5 मिलियन वहीं पे उड़ जाएंगे आपके, लाइक टैक्स में ही चले जाएंगे एंड बाकी का जो भी पैसा है वो बचेगा। एंड जब ये कोई लाइक लीडर निकालेगा पैसे तभी भी जो है वो टैक्स लगेगा 3% का। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, यहाँ पे कुछ नए 300 की IDs का एक कॉन्वॉय चल रहा था ब्लैक कलर की गाड़ियों में, ये देख के पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, सोचा मैं जो है वो इसको वीडियो में भी बता दूँ, आई डोंट नो ऐसी ही मेरी जो है वो हंसी निकल गई। एनीवेज वीडियो के बारे में बात करते, तो यहाँ पे जो है वो लाइक ये तो क्या फर्स्ट तरीका, ठीक है, पैसे आप जो है वो लाइक फैमिली के थ्रू निकाल सकते हो, बट इसमें टैक्स कटिंग बहुत होती है। एक और तरीका है, वो कौन सा तरीका है, अब वो है ट्रेडिंग का तरीका। अब आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, लाइक दिन भर में जितने भी चाहो आप उतने ट्रेड कर सकते हो, राइट, यानी कि आप जी में प्रेस करोगे, फिर ऑफर देते हो जब आप जो वो ट्रेड करते हो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, तो आप जो है वो ट्रेडिंग के थ्रू भी जो है वो लाइक पैसे ले सकते हो। अब कैसे लेते हैं, बहुत सारे बंदे लेते हैं ये, ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्यों, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसका फुद्दू बना के रखा हुआ है। क्या करता है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे लेने हैं ना, तो आपको लेट सपोज 2 मिलियन आपको लेने हैं, ठीक है, पहले आपको 20 मिलियन सारे पैसे लेने हैं, तो आपको 2-2 मिलियन करके लेने हैं या फिर 5-5 मिलियन करके लेने हैं, तो जितनी भी अमाउंट आप ले रहे हो सामने वाले बंदे से इन कैश, उतने ही अमाउंट का आपको एक जो है वो लाइक क्या बोल सकते हैं हम, एक जो है वो लाइक एक गुड़ी या फिर जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइप या फिर एक कुछ वैल्यूएबल चीज़ जो है वो 5 मिलियन की वर्थ होनी चाहिए, उस वर्थ की एक चीज़ जो है वो आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। अब ये 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, सो उतना जो है वो चलता है, लेकिन लाइक अगर आप 10 मिलियन ले रहे हो किसी से ट्रेड में एंड आप उसको धागा दे रहे हो
एज अ ट्रेड, तो ये तो भाई बैलेंस कहीं का कहीं पे नहीं बैठ रहा है, एंड इसके लिए आपको जरूर बैन पड़ेगा। अनरियलिस्टिक ट्रेड हो गया वो। आप जो है वो कार ट्रेड कर सकते हो, एक अच्छी खासी कार जो कि 1.5-2 मिलियन की होगी, तो वो आप जो है वो लाइक 3-4, 4.5 मिलियन तक जो है वो इजिली बेच सकते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये इतना जो है वो लग चलता है, 10-15 ऊपर नीचे जो है वो परसेंट चलता है। बट अगर आप ऐसी फुद्दू सी चीज ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि धागा हो गया या फिर जो है वो लाइक एक जो है वो कपड़ा हो गया सस्ता सा $500 का, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं चलती है। अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो उतनी वर्थ की जो है वो चीज़ आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो आपका ये ट्रेडिंग का काम करता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी, एंड मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूं। भाई आपको अगर पैसे लेने हैं ना, तो आप जो है वो एक या तो आप ग्रैंड कॉइन से जो है वो क्रेट वेट खोलो, या फिर जो है वो फैमिली के थ्रू ले लो। मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करता, ये चीज़ हो सकती है इसलिए मैंने बताया, जो चीज़ हो सकती है ये बताना मेरा काम है। अब करना है आपको या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, एंड अगर आपको बैन खाना है तो वो भी आपके ऊपर है। एनीवेज, सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं, वो है प्रॉपर्टी सेलिंग की। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जब वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं ना, कुछ स्कैमस्टर आ जाते हैं, राइट? तो इससे बचने के लिए आप बॉडी कैम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और प्रिकॉशन आप ये ले सकते हो कि आप एडमिन को ही बुला सकते हो वॉच रखने के लिए, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो बस आपको एक नॉर्मल जो है वो टिकट यहाँ पे डालना पड़ेगा, हे आई एम जस्ट, हाय आई एम जस्ट यू नो सेलिंग अ बिजनेस, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट, या फिर कैन यू प्लीज वॉच ओवर। तो इस तरीके से जो है वो डाल सकते हो। मोस्टली जितने भी एडमिन्स मैंने जो है वो लाइक ये जब मैंने ये रिक्वेस्ट डाली, तो मोस्टली सब ने जो है वो मुझे रिप्लाई दिया, एंड सब जो है वो पॉजिटिवली ही मेरे या फिर मेरे दोस्तों के जो भी है ग्रैंड आरपी के, उनके लिए लाइक इनविजिबल बन के जो है वो सारी डील यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो इनविजिबल बन के जो एडमिन है वो सारी डील देखते हैं, एंड मेक श्योर कि मतलब श्योर करते कि कोई जो है वो लाइक यहाँ पे गलत चीज़ ना हो। अगर फिर भी हो जाती है तो वो ऑन द स्पॉट मोस्टली जो है वो एडमिन उस बंदे को बैन कर देते हैं, अगर वो स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तो। एंड अगर नहीं भी आता है कोई एडमिन, कोई बिजी है, तो फिर यार आपका जो है वो बॉडी कैम तो ऑन होता ही है, एंड फिर आप फौरन कंप्लेंट जो है वो कर सकते हो। तो ये भी एक चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी आती है, अगर कोई एडमिन जो है वो आपकी मदद कर रहा है, मतलब एक बैकिंग होती है कि भाई आप जो है वो लाइक एक एडमिन आपका जो है वो पूरी डील देख रहा है, एंड यहाँ पे जो है वो जो, अब यहाँ पे कोई फेक वेक डील मत कर देना, आप ही मत स्कैम कर देना, नहीं तो फिर यार आपको ही जो है वो लाइक बैन पड़ सकता है। ओके, तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं, वो है नॉन आरपी आरपी वाली जो चैट है ना, उसका भाई लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए हैं आज में, खास करके गेटो में। अब गेटो में होता क्या है, गेटो में भाई अंधाधुंध लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, वहाँ पे पूरे गैंग्स का राज होता है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबार, वहाँ पे लूटपाट, ये सब होता रहता है गेटो में, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे जो है वो आपको कोई लूट रहा है, यहाँ पे आपको कोई रॉब कर रहा है, तो वहाँ पे नॉन आरपी चैट में ना ये बंदे बहुत बार डालेंगे प्रेस जी एंड देन गो टू स्पेशल एंड देन वन, प्रेस जी गो टू स्पेशल वन, ये जो है वो बार बार स्पैम होता रहेगा नॉन आरपी में। अब वो ये नॉन आरपी में क्यों डालते हैं, ठीक है, वो तो मुंह से भी बोल सकते हैं कि भाई जी प्रेस कर, स्पेशल में जा और एक दबा। तो ये जो है वो पहले होता था, 7-8 महीने पहले की बात है, ये पहले किया करते थे, मैं भी करता था भाई, प्रेस जी स्पेशल वन, कॉल द गॉड, जैसे मुंह से हम बात करते थे ऑडियो निकाल के, तो एन दबा के। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई है ग्रैंड आरपी में, एज ऑफ सर्वर वन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सर्वर्स का मुझे मालूम नहीं है। सर्वर वन पे ये सारी चीज़ें बंद हो गई है, ये जो है वो मिक्सिंग या फिर फेल आरपी, इसमें जो है वो काउंट होता है। सो आपको जो है वो लाइक इससे बचना है। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे बंदों को म्यूट पड़ जाता है, या फिर बहुत सारे बंदे जो है वो फेल आरपी में जो है वो बैन हो जाते हैं, बैन नहीं, जेल में चले जाते हैं, तो ये इसके वजह से जाते हैं। एंड आई होप कि आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन सी चीज़ आपको जो है वो किस सिचुएशन में करनी है। मोस्टली ये आरपी सिचुएशन में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा, क्योंकि आरपी सिचुएशन में क्या होता है, आप नॉन आरपी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसके वजह से आपको जो है वो दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तो हो गए भाई ये तीन रूल्स। मुझे लगता है इनमें से जो है वो सबसे पहला वाला रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फैमिली से पैसे ट्रांसफर करना हो गया, क्योंकि पैसों की ज़रूरत आपको होती है। 5 बिलियन से ज़्यादा मत करना एक दिन में किसी से भी, अगर आप इन हैंड कैश ले रहे हो तो मत करना। मैं तो बोलता हूँ इन हैंड कैश लेना ही बंद कर दो, ट्रेड वेड करके जो है वो ले सकते हो, या फिर कोई चीज़ ऐसे बेच के ले सकते हो, वो ज़्यादा जो है वो सेफ होगा, नहीं तो आपको जो है वो बैन खाने हैं, बैन पड़ेगा लाइक। एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, एंड बहुत जल्दी ग्रैंड आरपी का जो अगर कुछ लीक वीक आते हैं इस अपडेट के बारे में, तो उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते गाइस आपसे अगली वीडियो में।